So now we have finished with this chapter also, human health and disease. A few extra points related to addiction. I told you regarding dopamine and paranoia and theobroma coca and everything. Now other points is बहुत सारे जो drugs हैं वो actually plant source से ही आते हैं, कुछ fungus source से भी आते हैं जो addiction में use किया जाते हैं. फिर कोकीन जो है, जिसको कोक भी बोलते हैं स्लैंग लैंग्वेज में, या नॉट द कोका कोला वन, बट दिस इज कोकीन, द कोक, इसको क्रैक भी बोलते हैं. एंड एक्सेस डोसेज से इसकी भी हेलुसिनेशंस हो सकता है. फिर मॉर्फिन जो एक दवा है जो मेडिकल साइंस में यूज होती है एज अ सेडेटिव, मतलब पेशेंट को रिलैक्स करके सुला देने के लिए, या फिर एज अ पेन किलर, स्पेशली इन कैंसर पेशेंट वेयर द पेन इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन, तो या फिर सर्जरी के बाद एज अ पेन किलर टू रिलीव द पेन ऑफ सर्जरी. तो जब ऐसी मेडिसिन मेडिकल के यूज़ के अलावा एक्सेस में कंज्यूम की जाती है तो उसका एडवर्स इफेक्ट उसके बॉडी पे, उसके बॉडी के फंक्शनिंग पे, बॉडी पार्ट्स पे एंड उसके साइकोलॉजिकल फंक्शन पे दिखता है. इसलिए मॉर्फिन का भी ड्रग अब्यूज़ हो सकता है. देन एडोलेसेंस जो होते हैं दे आर वाइडली कंसिडर्ड बाय द साइकोलॉजिकल एस्टैब्लिशमेंट्स, मतलब जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये डी एडिक्शन के लिए वर्क करती है, दे कंसिडर कि एडोलेसेंस एज ग्रुप ही ज़्यादा प्रोन होता है रेकलेस बिहेवियर के लिए, रिस्क टेकिंग बिहेवियर के लिए. मतलब दे आर मोर ऑफ दिस, नो दे वॉन्ट टू ट्राई न्यू थिंग्स, वो रिस्क लेना चाहते हैं एंड इसीलिए वो लोग ज़्यादा दे फॉल प्रे टू दिस एडिक्शंस, और जिसकी वजह से वो सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं एंड दे कैन लैंड अप इनटू प्रॉब्लम्स लाइक ड्रिंक एंड ड्राइव, कार एक्सीडेंट्स, ओके, ड्रिंकिंग एंड हैविंग अनसेफ सेक्स, ओके. देन यूथ क्राइम भी इससे बढ़ता है बिकॉज फिर ड्रग्स और अल्कोहल के लिए दे कैन डू एनीथिंग टू गेन दैट मनी एंड प्रोक्योर दैट ड्रग एंड अल्कोहल. देन इसीलिए वो लोग इस एज ग्रुप को टारगेट करके अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस सिलेबस को इंक्लूड किया है ताकि बच्चों को ये अवेयरनेस स्कूल से ही मिले. देन देर इज़ सम एविडेंस दैट ये रिस्क टेकिंग बिहेवियर बायोलॉजिकली ड्रिवन होता है, मतलब बाय नेचर बॉडी में ऐसी चेंजेस रहते हैं जो नेचुरली हमको इस टाइप का बिहेवियर दिखाने के लिए व्हाट वी कैन से प्रोन रखते हैं. तो व्हाट इज़ दैट रीज़न कि हमारे बॉडी में ऐसा क्या चेंज होता है जिसकी वजह से वी नेचुरली टेंड टू बिहेव लाइक दैट. तो द रीज़न इज़ कि हमारा ब्रेन का जो सोशल एंड इमोशनल पार्ट होता है ब्रेन का, दैट इज़ कॉल्ड एमिग्डाला, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम इनसाइड योर ब्रेन, वो ज़्यादा फास्ट डेवलप होता है एडोलेसेंस एज ग्रुप में कम्पेयर टू द कॉग्निटिव पार्ट, जो फ्रंटल कॉर्टेक्स, फ्रंट साइड ऑफ द ब्रेन में जो है वो रीजन जो है वो एक्चुअली इंटेलिजेंट थिंकिंग के लिए है, फ्रंटल रीजन का कॉग्निटिव कंट्रोल पार्ट. तो अभी बच्चों में क्या होता है कि अमिगडाला पहले डेवलप होता है और फ्रंटल रीजन का कॉग्निटिव पार्ट लेटर ऑन डेवलप होता है, इसलिए वो अपने सारे डिसीजंस इमोशनली लेते हैं विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमिगडाला. तो इमोशनली लेते हैं तो नेचुरली दे टेंड टू गो रॉन्ग इन देयर डिसीजंस एंड दैट्स द रीजन दे कैन डू, दे कैन फॉल प्रे टू दिस रॉन्ग एक्टिविटीज. Then drug abuse develops over a long time, obviously. It does not start as a full-blown abuse या addiction. धीरे धीरे आदत लगती है, इसलिए जो लगने से पहले ही रोक लो, या जैसे ही लग जाती है please try help your friends to stop it and come out of it. Then what are the cause of drug abuse? हमने देखे parental reasons and peer pressures and everything. Another thing I told you, excessive strict discipline भी रहेगा तो भी बच्चा वो handle नहीं कर पाता है and they try to run away from it by falling prey to addictions. Then a few more extra points that I would like to add up is, it is overall related to the chapter, not specifically the addiction का. कि AIDS I told you is a pandemic disease, okay, just like corona currently. Then every living organism has inactive cancer genes inside them, they are called proto-oncogenes. अगर वे activate हो जाती है तो वो oncogenes कहलाती है और जिससे cancer develop हो सकता है. फिर benign tumors जो होते हैं वो less harmless है एंड इसीलिए उनको innocent tumors भी बोलते हैं. फिर जनरली कैंसर जब भी हम बोलते हैं तो उसमें ऑर्गन के आगे हम लोग सफिक्स लगाते हैं ओमा, तो कार्सिनोमा, ओके, सार्कोमा ऐसा बोलते हैं ना. फिर HIV वायरस जो लेंटी वायरस ग्रुप को बिलोंग करता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रेट्रो वायरस फैमिली एंड रेट्रो वीरिडे फैमिली है. तो वो रेट्रो क्यों बोला है, हमने बताया ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, उल्टा DNA से RNA बनता है नॉर्मली, बट इसके केस में RNA से DNA बनेगा. फिर HIV वायरस
सिर्फ CD4 रिसेप्टर यानी T4 सेल्स यानी टी हेल्पर सेल्स को ही इफेक्ट करता है क्योंकि उनके ऊपर वैसे रिसेप्टर्स है. देन टाइफॉइड जो है इज अ वेरी कॉमन इन डिसऑर्डर, सॉरी इट्स अ कॉमन डिजीज आई शुड से, नॉट डिसऑर्डर, अ कॉमन डिजीज इन चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 1 to 5 ईयर्स बहुत कॉमनली होता है. इसलिए इसका वैक्सीन भी अवेलेबल है जो ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी बिकॉज इफ यू फॉलो हाइजीन द चाइल्ड वोंट फॉल प्रे टू दिस डिजीज. देन क्लास ऑफ एंटीबॉडीज जो मैंने तुमको सिखाए थे, मैंने एक चार्ट भी दिखाया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज जो है उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं. दे आर 5, IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD. तो इसको याद रखने के लिए कि कितने इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, 5 है, तो पांचों के नाम कौन से अल्फाबेट्स है, तो द शॉर्ट फॉर्म इज GAMD. GAMD में G इज IgG, A इज IgA, IgM एंड E IgE एंड लास्ट D वाला IgD. ओके, तो ये 5 एंटीबॉडीज का शॉर्ट फॉर्म है. That's all related to the extra points. With this, we have completed the chapter as well as the extra points. Thank you so much.